एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हो सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है करवा चौथ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ यहीं से ब्लॉग शुरू करते हैं। शाम का समय हो रहा है और आज मैंने पूरा दिन ये वाला सूट पहना हुआ था। ये मैंने अमेजोन से लिया था और मैं अभी आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ ये कैसा है। और ये सूट काफी अच्छा लगा मुझे, कम्फर्टेबल है। तो आज मैंने ये सूट पहना था। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये बेज कलर का है और मुझे लग रहा है बहुत सारी ड्रेसों में ये चल जाएगा। और ये इसका कुर्ता है, डार्क पर्पल कलर का है और ये पूरा इसका ऐसे लुक है। ये देखिए काफी अच्छा है। और इसमें साथ में इसमें प्लाजो दिया हुआ था और ये काफी मुझे अच्छा लगा। कॉटन का है, बहुत अच्छा मुझे लगा। सारा दिन मैंने इसे पहना तो बिल्कुल कम्फर्टेबल लगा, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं आपको दिखाती हूँ, बस मैं बस अभी नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद पूजा का सामान बनाऊंगी और माता जी की मतलब जो चौथ पूजा हम लोग करते हैं उसकी चौकी लगाएंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे तैयारी कर रखी है, आप देखिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी इस तरीके से तैयारी करके रखी है अपने बेडरूम में। इस तरीके से मैं यहीं पर तैयार होंगी, तो मैंने साड़ी सारा सामान अरेंज करके रख लिया है। तो ये मस्टर्ड कलर की साड़ी मैं पहनूंगी। तो इस तरीके के कलर, मस्टर्ड कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये सब अच्छा लगता है पूजा में, सुहाग के पूजा में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस साड़ी को मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था और इसका ब्लाउज़ अभी रेडी नहीं हो पाया है, तो टेलर के पास पड़ा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो टेलर के पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये दूसरी साड़ी का रेड कलर का ब्लाउज़ इसके साथ मैंने ले लिया है। और ये मेरी शादी की चुनरी है और ये मैं बैंगल्स लेके आई थी नई, और साथ में ही इसके साथ मैंने कड़े लिए हैं और ये कड़े बहुत ही सुंदर कड़े मुझे लगे और काफ़ी महंगे थे लेकिन मैंने ले लिया, सुंदर बहुत लग रहे थे। और इस तरीके से मैंने अपना सारा सामान अरेंज करके रखा है जो मुझे जो पहनना था। और साइड में चांदी की प्लेट है, इसमें मैं जब भी पूजा करती हूँ तो भगवान जी का भोग लगाती हूँ। तो ये मैं अलमारी में अपने लॉकर में रख दिया था, तो अभी सामान निकाला तो तभी मैंने इसे भी अपना निकाल लिया। और इसमें पूजा में जो चौथ माता की हम लोग पूजा करते हैं तो भोग लगाएंगे। तो यही मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग रहा। रेगुलर मैं नहीं हो पा रही हूँ किसी कारण के वश, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं रेगुलर टच में नहीं हो पा रही हूँ आपसे, तो इसके लिए सॉरी। और कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। और आप लोगों को मैंने सोचा कि ये ब्लॉग मैंने सोचा था बहुत अच्छे से शेयर करूँगी लेकिन वो हो नहीं पाया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपसे बाय बाय। और बहुत बहुत करवा चौथ की आप सब लोगों को बधाई। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।